कथा देखने के लिए मिलता है। हरक्यूलिस को नॉकडाउन कर दिया जाएगा एंड हरक्यूलिस के साथ हम लोग चला जाएंगे सिक्रेट के पास एंड टीम पावर हाउस फुल्ली वाइप आउट होता हुआ एंड तो ऑब्वियसली होगा देखते ही देखते। लेकिन हम लोग का आ चुका है प्लेन पाथ एंड प्लेन पाथ का अगर बात करें तो एकदम साउथर्न साइड वाला प्लेन पाथ देखने के लिए मिल रहा है। सो जो भी टीम्स नॉर्दर्न साइड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं उनके लिए मुश्किल बहुत बहुत ज्यादा होने वाला है। लाइक जारकी शेवनी शूटिंग रेंज रोजॉक या स्नाइपर लेना स्टैलबा कमेश की लिपोफ का मेंशन प्रिजन ये सब पोजीशन पे पहुंच पाना इम्पॉसिबल सा देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन उतरने के बाद कार्ड्स एंड ऑल लेके रोटेशन देना होगा जो कि कभी भी एक अच्छा मूव हम लोग नहीं बोलेंगे लाइक अच्छा मूव नहीं बोलेंगे नहीं मतलब वो इजी नहीं रहता उधर रोटेशन देने में थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन टीम गौर लाइक जो कि हम लोगों को पता है वो लोग हमेशा ही जाना चाहते हैं हमेशा ही जो है वो जाते हैं पोचिंग की तरफ एंड आई नो कि वो अभी भी जो है पोचिंग की तरफ ही बढ़ना चाहेंगे। तो पोचिंग के अंदर फाइट अभी फिर से एक बार स्टार्ट होता है टीम पावर उसकी तरफ से शॉट बहुत अच्छा गया था नॉकडाउन निकाल लिए थे एंड नॉकडाउन निकालने के बाद जो है उनको अभी रिवाइव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा। स्मोक अभी क्लोजिंग कर चुका है स्मोक ही जल्दी जल्दी जाना चाहेंगे अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए बट एक्सिन ओपिलेटन साइड पे जो है उनके ऊपर पूरा का पूरा एम जो है वो लेके बैठे हुए हैं एंड जब एम लेके बैठे होंगे तो ऑब्वियसली स्मोकी के लिए रोटेशन देना मुश्किल रहेगा। लेकिन इस टाइम पे स्मोकी दे देंगे रोटेशन एंड उनका देखिए लाइक एक्यूरेसी लेवल कितना अच्छा है कि उनको पता था अभी जस्ट गया है दैट मीन्स जो है अभी उनके पास मौका है वो जा सकता है लेकिन मोल्टोव का इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये जो मोल्टोव है वो गया था गैराज पे एंड अभी रिवाइव जो हो रहा है वो है बाहर तो इसीलिए ज़्यादा कुछ इधर डैमेज है वो प्रोवाइड नहीं कर पाए टीम गॉलाइक को बट टीम पावर हाउस जो है वो चारों तरफ से घेर के इधर डोमिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहे बट हम लोग आ चुके हैं एलिशा के पास एंड एलिशा जो है वो ब्रोकन वॉल के पीछे होल्ड करके ओपोनेंट टीम को पूरा स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इधर स्पॉट होंगे या फिर नहीं वही मेन चीज़ है अगर स्पॉट हो जाते हैं तो उनकी तरफ से शॉट लिया जाएगा एंड आई थिंक लिया जाएगा क्योंकि जिस पोजीशन में है उस पोजीशन से अगर शॉट लेके एक नॉकडाउन निकाल सकते हैं एक ओपनिंग निकाल सकते हैं तो ऑब्वियसली पूरे टीम के लिए क्लच करना कोचिंग के अंदर अभी भी जो है कश्मकश बढ़ता ही जा रहा है कभी मतलब कोई भी कश्मकश इधर रुकने वाला नहीं है एंड टीम किटकैट भी बहुत ही अच्छा मोस्ट वाली डोमिनेशन दिखा रहे हैं। ओके सो टीम किटकैट नहीं खेल रहे हैं टीम नंबर 9 पे एंड हम लोग जाना चाहेंगे टीम किटकैट के पास एंड टीम किटकैट का टीम हाइप के पास हाइप एंड पावर हाउस दोनों मिलकर एक साथ खेलते हुए मचाते हुए एक किल निकाल चुके हैं एंड स्मोकी के पास हम लोग जाना चाहेंगे। गोकू का किल ऑलरेडी सिक्योर हो चुका था एंड स्मोकी अपने हाथों में जो है वो अभी स्टन ग्रेनेड ले चुके हैं स्टन ग्रेनेड से स्टन करने के बाद पूरा का पूरा क्लोजिंग देखने के लिए मिल जाएगा बहुत ही ज्यादा वो एग्जीक्यूटेड स्टन हम लोगों को देखने के लिए मिला। लेकिन इतना ज्यादा टाइम तक जो है स्टन का उतना भी खास है नहीं रहेगा एंड उसी के साथ एक नॉकडाउन निकाल दिया जाएगा पनबुक को इधर देखा जा रहा था एंड पनबुक भी इधर नॉकडाउन होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है एंड लास्ट में स्टैंडिंग ओके सो लास्ट टू प्लेयर्स अलाइव हरक्यूलिस एंड उसके साथ सिक्रेट सिक्रेट उन्हीं के पास हम लोग को एक M416 विथ 3x देखने के लिए मिलता है एंड उसी को लेकर जो है वो बहुत ही अच्छा डोमिनेशन इधर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्मोकी की तरह से एक जीनोपी को कर चुका है किल सिक्योर एंड उसी के साथ दो किल सिक्योर सवाल दो प्लेयर्स 2v2 का एक फाइट 2v3 का इनफैक्ट हम लोग को एक फाइट देखने के लिए मिल रहा है मोस्ट प्रोबेबली एंड टीम को अलाइक जो है उतना इजीली छोड़ने वाले नहीं है। कार्नेज नूब के पास हम लोग आ चुके हैं कार्नेज नूब जो है वो अभी पूरा का पूरा जो है टीवी का इस्तेमाल करते हुए ओपन फिलहाल के लिए जो है कार्नेज नूब की तरफ से पूरा का पूरा जो एकदम एम लेके शॉट लेने की कोशिश बट अभी उतना भी कुछ अच्छा वेल एग्जीक्यूटेड पोजिशन था नहीं एंड डोर इधर फोड़ने की कोशिश किया जा रहा था। अगर डोर फोड़ देते हैं तो सीक्रेट ऑब्वियसली एक एंगल सीक्रेट के ऊपर बनेगा एंड अगर वो एंगल बनते हैं तो उनके लिए अच्छा ही होगा बट INGL का टीम पीछे की तरफ हम लोगों को लूटपाट करता हुआ देखने के लिए मिलता है। हरक्यूलिस को नॉकडाउन कर दिया जाएगा एंड हरक्यूलिस के साथ हम लोग चला जाएंगे सीक्रेट के पास एंड टीम पावर हाउस फुल्ली वाइप आउट होता हुआ एंड बहुत ही ज्यादा ओपी गेम प्ले दिखाता हुआ टीम गॉड लाइक चार किल्स उन्होंने भी अपने टीम के लिए बटोर चुका है। टोटल सब मिलकर अगर बात किया जाए डोमिनेशन अभी भी जो है वो दिखाते हुए देखने के लिए मिल रहा है एंड गॉड लाइक एलिशा के पास हम लोग जाएंगे अलीशा एक नॉकडाउन निकाल चुके थे टोटल सब मिला के टीम गौरला के पास आ चुका है 5 kills एंड 5 kills के साथ अपना जो मोमेंटम है उसको अभी आगे लेके जाने की कोशिश ऑब्वियसली करेंगे। लेकिन उसके पहले उनको जोन के अंदर जाना होगा क्योंकि फोर्थ जोन बन चुका है एंड फोर्थ जोन बनने के बाद बनेगा 5th zone एंड वी ऑल नो 5th zone बनने के बाद जो जोन डैमेज है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड स्मोकी के साथ अभी गॉड लाइक हम लोग बोल सकते हैं गॉड लाइक स्मोकी एंड गॉड लाइक अलीशा जो है वो अपना एक ही बग्गी से अपना रोटेशन दे रहे हैं जो कि डेंजरस है बट फिर भी अगर कोई भी अभी नहीं रहता लाइक कोई भी अगर उनके पास
व्हीकल्स नहीं रहते तो ऑब्वियसली एक व्हीकल से ही अपना रोटेशन देना होगा, बट वेस्टर्न साइड पूरा अभी पकड़ चुका है एंड पूरा वेस्टर्न साइड वो ही मेन चीज होएगा। एंड टीम नंबर टीम गॉड लाइक अगर बात किया जाए वो अभी एकदम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हिल टॉप पे, एंड उनके पास एक हाई ग्राउंड एडवांटेज है, बट अगर हाई ग्राउंड एडवांटेज छोड़ दे फिर भी उनके पास जोन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो जोन का इस्तेमाल ऑब्वियसली कर सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा लाइक पूरा ओवरऑल अगर मिला के बात किया जाए तो टीम डियर वन उनके पास लाइक टीम एंटेक्स के पास सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पोजिशन है, क्योंकि उनके पास सामने है एक कवर जो कि है रिच एंड रिच का कवर के साथ साथ जो है वो तो टीम गॉड लाइक एंड उनके साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा टीम एंट्रिक्स एंड टीम नंबर 6 टीम मेहम एंड उनके साथ साथ टीम नंबर 20 जो कि हम लोगों का इधर है टीम INGL। सो INGL वर्सेस टीम मेहम वर्सेस टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम एंट्रिक्स कौन निकाल के लेके जाएंगे डोमिनेशन। अगर प्लेयर एडवांटेज का बात किया जाए तो टीम एंट्रिक्स के पास चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव है, प्लेयर एड स्मोकी जिस पोजीशन में आ चुके हैं टीम नंबर 20 लाइक अगर बात किया जाए तनविश का तो उनके लिए मुश्किल से बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नेड इधर कर लिया जाएगा कुक एंड यही नेड अगर कनेक्ट होता है तो टीम नंबर 20 बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे, एक और नेड कर दिया जाएगा कनेक्ट दोनों मिलके एक ही नेट से फिनिश हो चुकी था एंड सेकेंड नेड उनके तरफ से था कि अगर कोई भी नॉक होता है तो उसी नेट से सिक्योर हो जाएगा किल, बट बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा तगड़ा कैलकुलेशन गेम सेंस का मुजाहरा इधर करते हुए टीम गॉडलाइक एंड गॉडलाइक दिखा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है एंड उसी एक्सपीरियंस को काम पे लगा के धीरे धीरे जोन के अंदर क्लोजिंग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर वही थे एंड सबसे ज़्यादा लाइक जिधर से पूरा स्पॉट हो सकते थे वही उस पोजिशन में टीम गॉडलाइक थे एंड वो अपना पूरा स्मोक का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे क्लोजिंग का दबाव देखने के लिए मिल रहा है। ड्यूस की तरफ से आएगा शॉट एंड पंक को कर दिया जाएगा नॉकडाउन एंड बहुत बहुत ज़्यादा ओपी परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता हुआ टीम VR1 की तरफ से एंड टीम VR1 एक और किल निकाल के लेके जाएंगे टॉप 3 टीम्स एंड उसी के साथ 8 प्लेयर्स अलाइव 3v1v4 का सिचुएशन ऑलरेडी बन चुका है। हम लोग जाना चाहेंगे इधर कार्नेज नूब के पास है, नूब की तरफ से अपने आप को हील कर लेना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट जोन में जाके कुछ भी हो सकता है, इधर 4v3 ऑब्वियसली, लेकिन अगर राइट हैंड साइड से थोड़ा बहुत इधर किल्स निकाल लेते हैं टीम एंट्रिक्स का तो मुश्किल में आ जाएंगे टीम एंट्रिक्स एंड इधर से कार्नेज को कर दिया जाएगा नॉकडाउन। आलिशा जो है वो अपना डोमिनेशन दिखाता हुआ एंड लास्ट 3 प्लेयर्स अलाइव 3v3v1 का सिचुएशन बन चुका है, आलिशा किल सिक्योर कर लिया जाएगा उनके तरफ से एंड रेज के पास हम लोग आ चुके हैं, रेज इधर अपने आप को जो है बग्गी के पीछे होल्ड करा के बैठे हुए हैं। तो गाइस जो लोग भी देख रहे हो जल्दी से जल्दी जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही ओपीओपी कस्टम रूम स्क्रीम्स एंड टूर्नामेंट जो है वो APL स्पोर्ट्स लाते रहेंगे एंड ऑब्वियसली लेके आते भी है फ्रीक्वेंटली आते, सो व्हाई नॉट कीजिए सपोर्ट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबा के फोड़ दीजिए। फ्रेजा का अगर बात करें तो इधर हम लोग देख पा रहे हैं टीम एंट्रिक्स की तरफ से फ्रेजा को भी इधर नॉकडाउन कर दिया गया है, तो देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह इधर टीम VR1 जो है वो झड़ता हुआ देखने के लिए मिला है, VR1 के टीम के बाद आ सकता है लेकिन स्मोकी का नॉकडाउन निकाल लिया जाएगा, अलीशा को भी इधर नॉकडाउन क्या कर सकता है एंड इधर हो चुका है टीम गॉड लाइक फिनिश पोजीशन में, टीम गॉड लाइक को देखा जा रहा है टोटल 10 किल के साथ एंड फर्स्ट पोजीशन 10 किल, थर्ड पोजीशन 10 किल, बीच में है 6 किल, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता हुआ। सो